इस तरह यहाँ पर अभिभावक के हस्ताक्षर, अभिभावक मीन्स पेरेंट्स, पेरेंट्स पान मीन्स पालकर सही अंत अर्थ, अभिभावक के हस्ताक्षर अंदर पेरेंट्स सिग्नेचर। नेक्स्ट इष्टेल्ल सब्जेक्ट बरदिद्दादमेले ऐनु बरीबेकु, आपकी आज्ञाकारी छात्र, कौन है आपकी आज्ञाकारी छात्र अंदरे निम्म आज्ञेयन्न पालिसुवंत विद्यार्थिनी यारु सुधा अंदरे आज्ञाकारी अंदरे ओबिडियंट अंत अर्थ। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪತ್ರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ? ಫಸ್ಟ್ ಪೆಹಲೆ ಕ್ಯಾ ಲಿಖ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಏಕ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ ದಿನಾಂಕ್ ಔರ್ ಅಬ್ ಏಕ್ ಔರ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್, ಪ್ರೇಷಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಡರ್, ಸುಧಾ ಆಪ್ಕೆ ನಾಮ್ ಪ್ರೇಷಕ್ ಲಿಖಕರ್ ಉಸ್ಕಾ ನೀಚೆ ಸುಧಾ ಅನಿ आपके नाम और कक्षा और स्कूल का नाम और प्लेस का नाम, और सेवा में आप किसको लिख रहा है उनकी एड्रेस, उनकी नाम और एड्रेस को लिखना पड़ेगा। कक्षा अध्यापक अथवा यहाँ पर आप मुख्योपाध्याय को लिखना पड़े तो यहाँ पर मुख्योपाध्याय लिखना पड़ता है, यानी हेडमास्टर को, नहीं तो कक्षा अध्यापक मीन्स क्लास टीचर को। मालूम होना आपको। नेक्स्ट आदरणीय महोदय, ऐसा। नेक्स्ट विषय सब्जेक्ट, आपको किस कौन सा दिन का छुट्टी चाहिए, सॉरी छुट्टी चाहिए, इसके बारे में विषय पर लिखना पड़ेगा, और किस लिए आप किस लिए छुट्टी मांग रहा है उनके बारे में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अंत में आपका आज्ञाकारी छात्र लिखकर साइन करना चाहिए, और आपका पेरेंट्स का हस्ताक्षर भी चाहिए। इस तरह पत्र लेकर लिखना है, आप प्रैक्टिस कीजिए घर में। ओके, मालूम हुआ ना बच्चों आपको? अच्छा, नमस्कार।